नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अंशिमा बुटीक चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 36 इंच का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज। दोस्तों ये 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज है, लेकिन इसका लुक कुछ अलग है, तो इसमें क्या नया है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी। तो दोस्तों ये जानने के लिए कि इस ब्लाउज की कटिंग में क्या नया है, आप इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि इसमें क्या चीज नया है। तो दोस्तों सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगी और आप नहीं जान पाएंगे कि मैंने इसमें नया क्या बनाया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लाउज की कटिंग, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों ये हमारा कपड़ा है, हमें इसमें 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज करनी है। तो दोस्तों इसमें नया क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने ब्लाउज की चौड़ाई देख लेंगे। दोस्तों ये 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो इसमें हम डायरेक्ट कपड़े पे कट कर रहे हैं, तो इसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ही लेना होगा, क्योंकि जब हम इसका पेपर कटिंग करके तब उस पर कटिंग करते हैं तो हमारा कपड़ा निकल जाता है, क्योंकि पेपर हम जिस हिसाब से कट करते हैं उसी हिसाब से अपने कपड़े को कट कर लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट हम कपड़े पे इसकी कटिंग कर रहे हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि इसमें कैसे कटिंग करते हैं, जो डायरेक्ट कपड़े पे 3 पीस प्रिंसेस कट की कटिंग होती है। देखिये ये हमारा कपड़ा यहाँ से तिरछा है, तो ये यहाँ का हिस्सा हमारा कम है, इधर ज्यादा है, तो हम यहाँ से पहले अपना चौड़ाई देख लेंगे कि हमारी चौड़ाई कितनी है और हमें कितनी चाहिए। तो दोस्तों 36 इंच का हमारा चेस्ट है, तो इसमें हमारा 9 इंच का होगा, ये 9 इंच का होगा, और 9 इंच के बाद दोस्तों हम 1.5 इंच इसमें मार्जिन रखते हैं सिलाई के लिए, आधा इंच हम हुक और आई की पट्टी के लिए लेते हैं, और दोस्तों इसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये हमारा प्रिंसेस कट है, तो प्रिंसेस कट में हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा जब बीच से दबता है कट के तो उसमें भी आधे इंच की सिलाई जाती है, तो इसलिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, तो हम इसमें 11.5 इंच का कपड़ा लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा 11.5 इंच पूरा है, इधर से भी हम 11.5 इंच नाप लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से हम 11.5 इंच नाप लेने के बाद हम इसकी लंबाई देख लेंगे। तो हमारे ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच की, तो यहाँ से हम 14 इंच पे एक मार्क करेंगे। दोस्तों इस ब्लाउज का बैक ओपन होगा, आगे से हम ओपन नहीं करेंगे। दोस्तों हमारे ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, तो यहाँ देखिए 14 इंच पे हमने निशान लगाया, आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई के मार्जिन में जाएगा, और दोस्तों ये 3 पीस है तो इसमें बेल्ट भी कटेगा, तो बेल्ट के लिए आधा इंच, जो बेल्ट की सिलाई में जाता है उसके लिए आधा इंच। दोस्तों बेल्ट की सिलाई के लिए हम आधा इंच नहीं 1 इंच रखेंगे, क्योंकि हमारा बेल्ट का भी आधा इंच जाता है और ऊपर से जो ब्लाउज का पोर्शन होता है उसका भी आधा इंच जाता है, तो पूरा 1 इंच हमारा बेल्ट में जाता है, तो ये 14.5 इंच हो गया, और प्लस हम इसमें 1.5 इंच रखेंगे अपना फोल्ड के लिए, तो यहाँ से 17 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे, और दोस्तों इस निशान को हम पहले सीधा कर लेंगे। दोस्तों आप चाहे तो 17.5 पे भी निशान लगा सकते हैं, क्योंकि हो सकता हो आपसे कटिंग करते समय कपड़ा सरक जाए या फिर इधर उधर निशान लग जाए, तो उसको सही करने के लिए आप, अच्छा होगा कि आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके ही कट करें, तो आप 17 की बजाय 17.5 पे निशान लगा लीजिए। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां से आधा इंच पे एक मार्क करेंगे, जो हमारे हुक और आई की पट्टी के लिए निकलेगा, यहां से और देखिए दोस्तों इसको हम यहां से ऐसे मिला लेंगे। देखिए दोस्तों हमने ये निशान लगा लिया है, अब हम बाकी का जो निशान लगाएंगे वो इस निशान के इधर से ही लगाएंगे। तो दोस्तों इस साइज में हमारा शोल्डर होगा 5 इंच का, यहां से हम 5 इंच पे मार्क करेंगे, और इसका आर्म होल हम 6 इंच का रखेंगे, तो यहां से हम 6 इंच पे मार्क कर लेंगे, और दोस्तों इस साइज में हमारा टस्क पॉइंट आएगा 9.5 इंच पे, तो हम 10 इंच पे एक मार्क कर लेंगे, और इस निशान को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमने ये निशान लगा लिया है, अब हम यहां से अपना फ्रंट लेंगे, तो फ्रंट
इस साइज में हमारा फ्रंट 5.5 इंच का होगा, तो हम 5.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और इस निशान को हम यहां से ऐसे मिला देंगे। देखिए दोस्तों, हमने इस निशान को मिला दिया है। यहां से हमारा ब्रॉडनेस होगा 2.25 इंच का और यहां से हम ब्रॉडनेस रखेंगे 2.75 इंच का। दोस्तों इसका गला हमें 6.5 इंच का चाहिए, तो यहां से हम 7 इंच पे एक मार्क करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारे जब सिलाई में जाएगा तो वो 6.5 इंच पे आ जाएगा और यहां से 2.75 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। इसको हम यहां से ऐसे मिला लेंगे। ये हमारा गला हो गया, ये हमारा आर्म होल हो गया, ये हमारा टस्क पॉइंट है। अब दोस्तों हमें ये प्रिंसेस कट बनाना है, ये हमें प्रिंसेस कट बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहां से हम 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहां से भी एक मार्क हम 3.5 इंच पे कर लेंगे। दोस्तों इसको मिलाने से पहले हम सबसे अपने आर्म होल की गोलाई का गोलाई दे देंगे, तो यहां से हम 1.25 इंच पे, यहां से 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और उसके बाद एक मार्क करेंगे 1.5 इंच पे। देखिए दोस्तों, हमने ये दोनों मार्क कर लिया है। अब हम यहां से अपने फिटिंग का मार्क करेंगे, तो हम 9 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। दोस्तों ये हम फिटिंग का निशान लगाते हैं, बस अंदाजे के लिए लगाते हैं, क्योंकि जब हम टस्क लगाते हैं और जब ये प्रिंसेस कट हम बनाएंगे तो ये निशान हमारा यहाँ आ जाएगा और वही निशान हम 9 इंच का यहां से भी लगा लेंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे। दोस्तों ये कपड़ा हमारा तिरछा है, इसको हम सीधा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा बराबर। अब दोस्तों हम यहां से अपने आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये हमारा बैक पल्ले का होगा और यहां से हम जो गोलाई देंगे वो हमारे फ्रंट का होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारे बैक पल्ले का है और ये हमारे फ्रंट का है, तो ये निशान हम लगा लिए हैं। दोस्तों इसमें हमारा बेल्ट भी निकलेगा, तो बेल्ट निकालने के लिए हम ये जो हमने टच पॉइंट लगाया है यहां से 3 इंच नीचे एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां हमने 3.5 इंच का निशान लगाया है और यहां भी हम 3.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे यहां से ऐसे दोस्तों, और यहां पे हम 1/2 इंच ऊपर की ओर मार्क करेंगे और यहां से 1/2 इंच नीचे की ओर मार्क करेंगे, तभी हमारे बेल्ट की गोलाई आएगी और इसको हम ऐसे गोलाई देते हुए यहां से ऐसे मिला देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारे बेल्ट की गोलाई आएगी। अब दोस्तों यहां से हमने 3.5 इंच पे मार्क किया है और यहां से हमने 3.5 इंच पे मार्क किया है, तो इस मार्क को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इस निशान को सीधा कर लिया है और अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहां से हमें ऐसे गोलाई देते हुए यहां हमें अपने आर्म होल में मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, यहां से हम इसको ऐसे गोलाई देते हुए ऐसे यहां मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने प्रिंसेस कट का निशान लगा लिया है। अब हम जहां जहां से निशान लगाए हैं वहां से कटिंग कर लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं इसमें, कि हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो हम बैक पल्ले के हिसाब से ही कटिंग करेंगे, हम फ्रंट का कटिंग अभी नहीं करेंगे। जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, जब हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे यहां से, उसके बाद हम अपने फ्रंट की कटिंग करेंगे। पहले आप अगर फ्रंट की कटिंग कर देंगे तो आपका कपड़ा खराब हो जाएगा, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट को ज्वाइंट करते हैं तो हमारा यहां से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, फिर उसको आप बराबर करेंगे तो या तो आपका कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए हम पहले बैक का ही कटिंग करेंगे, फ्रंट का नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसकी कटिंग इसी तरह से कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब दोस्तों हम इसको ऐसे कटिंग नहीं करेंगे, हमें यहां से दोस्तों जब हम टस्क लगाते हैं इसमें अपने सादे ब्लाउज में, तो हम इतना इतना कपड़ा दोनों साइड से लेते हैं या फिर 1-1 इंच का, तो दोस्तों वही हमें यहां भी करना है। यहां से हमें 1 इंच इधर और
एक इंच इधर, दोनों साइड से हमें ऐसे मार्क कर लेना है। दोस्तों इसी के लिए हमने कपड़ा एक्स्ट्रा इधर लेने को कहा था, जब हम इसको ऐसे इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हमारा कपड़ा यहाँ से अंदर की तरफ ऐसे जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ से हो गया, अब हम यहाँ से इसको ऐसे मिला लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे। देखिए दोस्तों ये हमें ऐसे कट करना है, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। दोस्तों अब हम इसकी कटिंग ऐसे कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ से इसको जोड़ना है, और वही कट हम इधर से भी लगा लेंगे। देखिए दोस्तों हमने दोनों साइड से कट लगा लिया है। अब हम जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ से ये हमारा ऐसे जुड़ेगा। देखिए दोस्तों ये हमारा जब जुड़ेगा तो ये ऊपर या नीचे हो सकता है, तो जब ये ऊपर नीचे होगा तो हम बराबर से करके इसकी कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों ये हमारा बीच का सेंटर है, यहाँ से भी हमें कट करना है, इसको जब हम स्टिचिंग करेंगे उसी समय इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा आगे का पल्ला हो गया, अब हम अपने बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। दोस्तों हम बैक पल्ले की कटिंग उसी तरह से करेंगे जैसे हम हर ब्लाउज में बैक पल्ले की कटिंग करते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें हमारा बैक ओपन होगा तो हम हुक और आई के लिए आधा इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा हम इसमें लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे बराबर से फोल्ड कर लेंगे और अपने चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम कपड़ा ले लेंगे। देखिए दोस्तों हम सबसे पहले 11 इंच पे मार्क करेंगे, हम 11 इंच का कपड़ा यहाँ से लेंगे। देखिए दोस्तों हमने 11 इंच का कपड़ा ले लिया है, अब हम इसमें अपनी लंबाई रखेंगे। तो दोस्तों लंबाई हमें 14 इंच की चाहिए, तो आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई के मार्जिन में जाएगा और 1.5 इंच हम नीचे से फोल्ड के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे हम 15.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा कपड़ा यहाँ से भी तिरछा है तो हम यहाँ भी 11 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे सीधा कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमारा 11 इंच था तो यहाँ से भी हम 11 इंच का कपड़ा रखेंगे, इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से हम आधा इंच ऐसे आधे इंच पे एक निशान लगा लेंगे। और इस निशान को हम ऐसे मिला लेंगे। देखिए दोस्तों हमने मिला लिया है, अब हम इसमें भी अपना बाकी का निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों यहां से हम 5 इंच पे शोल्डर रखेंगे, 6 इंच पे अपना आर्म होल रखेंगे। दोस्तों आगे का हमारा प्रिंसेस कट है इसलिए हम उसको इस पे रख के नहीं कट कर सकते, तो इसीलिए हमें यहां से दोबारा से निशान लगाना होगा। तो यहां से हम निशान लगाएंगे 6 इंच पे और इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहां से हमने सीधा कर लिया है, यहां से हम 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे, यहां कॉर्नर से हमें लेना है, यहां से हम अपने फिटिंग का मार्क देंगे 9 इंच पे और यहां से हम इसकी गोलाई दे देंगे। देखिए दोस्तों हमने इसकी गोलाई दे दी है, यहां से भी एक मार्क 9 इंच पे कर लेंगे और इसको हम यहां से ऐसे मिला देंगे।
और दोस्तों जैसे हमने इसकी मार्किंग की है उसी तरह से हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमने इसकी कटिंग कर ली है, ये हमारा बैक पल्ला हो गया है। अब दोस्तों हम इसमें अपने गले का निशान लगा लेंगे। तो इसमें हमारा ब्रॉडनेस यहाँ से होगा 2.25 इंच का। दोस्तों आप चाहे तो ब्रॉडनेस बढ़ा भी सकते हैं, 2 की जगह 2.5 भी रख सकते हैं। और दोस्तों हमारा इसमें बैक नेक 10 इंच का है, तो यहाँ से हम 10.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। और यहां से हमारा ब्रॉडनेस होगा 2.75 इंच का, तो यहां से हम 2.75 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसको हम यहां से ऐसे मिला लेंगे। और यहां से इसकी गोलाई दे देंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा बैक पल्ला भी तैयार हो गया है। अब हम इसमें से अपने बाजू की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों बाजू की कटिंग करने के लिए हम अपने कपड़े को 4 बार में फोल्ड करके लेंगे। देखिए दोस्तों इधर से हम अपना बाजू निकालेंगे, इधर से हमारा बाजू निकल जाएगा। यहाँ से हमें 9 इंच का कपड़ा चाहिए, तो देखिए ये 9 इंच का कपड़ा है। यहाँ से एक सीधा मार्क कर लेंगे। दोस्तों इस ब्लाउज में हमें अपने 4 इंच का अपना बाजू रखना है। ये देखिए 4 इंच का है, प्लस 1/2 इंच सिलाई के मार्जिन के लिए और 1/2 इंच नीचे फोल्ड के लिए। दोस्तों आप चाहे तो फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, तो 5.5 इंच का कपड़ा आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ 5.5 इंच पे एक मार्क कर ले रही हूँ। और इधर से भी आप दोस्तों अगर आप बिगनर हैं तो आपको हर तरह से ध्यान देना है कि आपका कपड़ा खराब ना हो, तो आप इधर से भी 5.5 पे एक मार्क कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से इसको सीधा मिला लीजिए। आपका कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा और आपकी मार्किंग भी सही आएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम इस साइज में 2.75 इंच नीचे उतरेंगे। दोस्तों हर साइज के ब्लाउज के बाजू में हम ये अलग अलग उतरते हैं। ये किसी में हम 2.5 इंच का उतरेंगे, किसी में 3 इंच का उतरेंगे, किसी में 3.5 इंच हमारा आता है। तो दोस्तों ये मेजरमेंट, इसके मेजरमेंट का वीडियो मैंने पीछे बना दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि हम किस इंच के ब्लाउज में कितना उतरेंगे तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो दोस्तों यहां से हम 2.75 इंच पे नीचे उतरेंगे, इधर भी आप 2.75 इंच पे एक मार्क कर लीजिए और इसको सीधा कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों हमारा बाजू 4 इंच का है, तो हमें 4.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है। यहां से आप 4.5 इंच पे एक मार्क कर लीजिए और इधर से भी, क्योंकि दोस्तों 4.5 इंच का मार्क हम इसलिए कर रहे हैं, हम 4 इंच का बाजू रखेंगे, 1/2 इंच हमारा यहाँ सिलाई में चला जाएगा तो 4 इंच का हमारा बाजू आ जाएगा। और इसको भी ऐसे सीधा कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ से हम अपने गोलाई का नाप लेंगे, जो इस साइज में 2.75 इंच का आएगा। दोस्तों जितना भी आपका गोलाई नापने पे आए आप उसका 1/2 यहाँ रखिएगा। तो यहाँ हम 2.75 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस साइज में हमारा बाजू का आर्म होल 7.5 इंच पे आएगा, तो यहाँ हम 7.5 इंच का मार्क कर लेंगे। यहाँ 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए है, यहाँ से भी हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़ा रख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से हम इसको ऐसे सीधा मिला लेंगे और यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमने ये निशान लगा लिया है। अब दोस्तों हमें इसकी गोलाई देनी है, तो दोस्तों यहाँ से हम इसकी गोलाई दे देंगे। देखिए दोस्तों ये हमारे बाजू की, देखिए दोस्तों ये हमारे बाजू का निशान लग गया है। अब हमने जहां जहां से मार्किंग की है वहां वहां से इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमने इसकी कटिंग कर ली है, ये हमारा बाजू है। यहां से हम एक कट लगा देंगे जो हमारे सेंटर का होगा। अब दोस्तों हमें इसमें अंदर से कप देना है। दोस्तों कप देने के लिए हमें क्या करना है, यहां से और ऐसे एक लाइन खींच देंगे और इसकी कटिंग हम कर देंगे। देखिए दोस्तों हमारे बाजू की कटिंग हो गई है। देखिए दोस्तों हमने अपने ब्लाउज की कटिंग कर ली है।
अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता रही हूँ, इसमें हमने अपने बैक पल्ले में हुक और आई की पट्टी के लिए कपड़ा छोड़ा था और हमने आगे के पल्ले में भी वो कपड़ा छोड़ा था। यहाँ से हमने निशान लगाया था जो हमने कहा था कि हुक और आई की पट्टी के लिए जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा बैक ओपन है तो हम बैक ही ओपन करेंगे, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ से भी इसको ओपन करके बनाना है। तो दोस्तों वो हम कैसे बनाएंगे आप ये जानने के लिए इसके स्टिचिंग की वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ से भी इसको कट करेंगे और बैक भी ओपन करेंगे तो हम इसको कैसे बनाएंगे। और दोस्तों इसको हम यहाँ से भी पाइपिंग देके बनाएंगे, जो हमारा इसमें भी पाइपिंग लगेगा। तो वो सब मैं आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो में बनाऊंगी कि हम पाइपिंग कैसे लगाते हैं और ये हमारा ओपन होगा तो हम फिर बैक ओपन और फ्रंट ओपन दोनों कैसे रहेगा। तो दोस्तों आप इस चीज को जानने के लिए इसके स्टिचिंग की वीडियो जरूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।